हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। चलिए आज 10th इंग्लिश मीडियम का भाई चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 18। शांति सर, है ना? चलिए देखते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट देखेंगे आज। एक्चुअली में पार्ट 18 मैंने किस लिए बनाया है, जिन बच्चों को एक्चुअली में एक्सरसाइज आप देखोगे टेक्स्ट बुक में NCERT में तो क्या है, 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है और 2.4 है ऑप्शनल एक्सरसाइज, और नीचे लिखा हुआ है कि दिस इज़ नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसा कुछ डाइजेस्ट वाइजेस्ट में ऐसा कुछ लिखा था, मैंने देखा था, बट मैं 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज करवा रहा हूँ पूरा का पूरा सॉल्व आपको, ठीक है? आपको करना है तो ठीक, नहीं करना है तो कुछ नहीं, है ना? चलिए आइए दोस्तों, लिखा है पहला क्वेश्चन है, पहले में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं लेकिन पढ़ लो पहले। वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो, ये जो नीचे क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है और उसके अलोंग साइड्स मतलब उसके बाजू में ये जो नंबर दिए हैं, नंबर आर गिवन टू यू, दीज आर दी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, प्रूव दैट, वेरीफाई दैट। क्या वेरीफाई करना है कि भाई द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके साइड में जो ये नंबर्स दिए हैं वो उसके जीरोज हैं या नहीं, बिलो आर देयर जीरोज और नॉट, है ना? और फिर ये और दूसरा सम ये भी है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसकी ये जीरो है या नहीं है, पहले पहला सम हम फिनिश करेंगे। तो यहाँ तक मैं रखता हूँ, फिर दूसरा कुछ प्रूव करना है मुझे, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन दिस दिस दिस, बाद में देखते हैं, पहले इसका जुगाड़ कर लेते हैं। आ जाइए, क्या पूछा है? पहला सम जो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब किया हुआ है रे, ये सब मैंने आगे करवाया हुआ है, सारे वीडियोज़ देखो, मज़ा आ जाएंगे आपको। ये तीनों इसके जीरोज हैं या नहीं वो मुझे प्रूव करना, वेरीफाई करना है। तो कब वेरीफाई होगा मालूम है? मैं जैसे कि पी ऑफ 1/2 रखता हूँ, यहाँ पे 1/2 रखता हूँ, क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2, डन, ओके, चल 2 का क्यूब 8, भाई 1 का क्यूब तो 1 है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5/2 प्लस 2, डन, चलो 2 4 8, आराम से 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब दोस्तों एलसीएम लेना है तुझे, तो एलसीएम अपना अल्केसर वाला स्टाइल, यहाँ पे 4 है नीचे, यहाँ पे 4 है नीचे, नीचे यहाँ पे भी 4 करना हो तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो नीचे हो गया 4, ऊपर हो गया 10, यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे 1 तो होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 4 एंड 2 4 8, कन्फर्म, ओके। अब देखो सबके नीचे 4 आ गया, पी ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू, सबके नीचे 4 है, एक बार 4 लिख दूँ, ठीक है। अब ऊपर ऊपर का देख दो, 1 + 1 2 प्लस 8 10 और ये -10 0, तो 0/4 इज इक्वल्स टू 0, बोल डाले भाई। पी ऑफ 1/2 का वैल्यू रखा मैंने इसमें तो आंसर 0 आया, जिसका वैल्यू 0 आता है वो उस पॉलिनोमियल का 0 होता है, यस और नो? जैसे कि पी ऑफ 1, चलिए पी ऑफ 1 रख रहा हूँ, ये रहा पॉलिनोमियल 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2, पी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2 1 का क्यूब 1 1 2 2 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 1 5 प्लस 2 2 + 1 3 3 + 2 5 5 - 5 0। चलो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, 1b इस पॉलिनोमियल का 0 है क्योंकि आंसर 0 आ रहा है भाई। पी ऑफ -2, हाँ देख लेते, चला जा, यहाँ पे x की जगह पे -2 रखना है, -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर 5 2 प्लस 2 सॉरी -2 है ना, हाँ चला जा भैया 2, -2 का क्यूब मतलब -8, -2 का स्क्वायर मतलब 4, -- प्लस 5 2 10 प्लस 2 -16,
माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16, 4 10 14, 14 एन प्लस 2 16, माइनस 16 प्लस 16 0। ओहो सर, कन्फर्म कन्फर्म, हैंस इट इज वेरीफाइड दैट, इट इज वेरीफाइड दैट 1 बाई 2 1 एंड माइनस 2 आर जीरोज ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल, गिवन मतलब कौन सा, ये जो तुझे दिया है वो बोल, सिंपल है कि नहीं, समझ में आ रहा है बच्चा लोग, नहीं आ रहा है बारे यार, ये करा चुका हूँ इसलिए मैं ज़्यादा फिर इंटरेस्ट लेके नहीं कराऊंगा, ये एक रिवीजन टाइप ही हो गया तेरा, चल बोल, डन है डन है डन। अब जो बात है वो मेन है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ठीक है, ये भी हो चुकी है हमारी बात। यहाँ पे अल्फा तू क्या ले सकता है 1/2, बीटा क्या ले सकता है 1, और गेमा क्या से ले सकता है -2, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरो यही होंगे। अब दोस्तों अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा करूँ, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर 1/2 प्लस 1 -2, ठीक है, ये कर सकता है तू, और बोल क्या आंसर आएगा 1/2 1 -2 -1 1 -2 -1। अब बोल तेरे हिसाब से, नीचे 2 ला दूँ तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, हाँ कि ना, समझ में आ रहा कि जा रहा। अब देख 1 नीचे तो 2 सेम रखूँ एक बार, 1 माइनस 2 वन ज़ा 2 माइनस 1/2 आंसर आ रहा है मेरा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा क्या आ रहा है -1/2। ऐसे तू कर सकता है, और दूसरा तू इसके साथ कंपेयर भी कर सकता है -b/a के साथ, -b/a के साथ कंपेयर कर सकता है, समझ में आ रहा है क्यों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा का आंसर क्या था -b, उसका फॉर्मूला क्या था -b/a, बी क्या था, बी क्या था क्यूबिक में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बोलो दिख रहा है बच्चा लोगों आपको, कंप्लीट है कैमरामैन, बच्चों को दिख रहा है क्लियरली, ओके भाई, ऐसे ही अल्फा बीटा गेमा, जिंदगी है भैया तो जिंदगी है भैया, चला जाइए अल्फा बीटा गेमा 1/2 इंटू 1 इंटू -2 भाई, ये 2 गॉन, -1 आंसर बचा, इसको तू किसके साथ कंपेयर कर सकता है -d/a के साथ, याद आया तुझे कुछ, यस सर, अल्फा बीटा गेमा क्या होता है -d/a, डी किसका, कुछ नहीं है सर, कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, डन। फिर और एक नया है अल्फा बीटा प्लस बीटा गेमा प्लस गेमा अल्फा, क्या आएगा, मजूरी बढ़ जाएगी 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 अल्फा बीटा बीटा गेमा प्लस गेमा अल्फा। बोल ये है, दिख रहा है बच्चों को, छोटे अक्षर तो नहीं है ना, हाँ 1/2 -2 ये 2 गॉन तो -1 1/2 -2 -1 -3 भाई, नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, ऐसे भी कर सकता है तू, और नीचे 2 लाना है तो ऊपर भी 2 1/2 -6/2 2 एक बार लिखूंगा और -5 तो -5/2 हो गया। अब तुझे याद है अल्फा बीटा प्लस बीटा गेमा प्लस गेमा अल्फा क्या था, c/a, तो c क्या था, c क्या था कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो ये तेरा सम यहाँ पे पूरा होता है। बोल समझ में आ रहा कि जा रहा, क्लियर है कैमरा में बच्चों को, दिख रहा है ना, दिखना चाहिए, मैं नहीं दिखूंगा चलेगा, ये दिखना चाहिए, हाँ बच्चों के इतने ख़राब दिन थोड़े हैं, मेरी शक्ल रोज़ रोज़ देखे रहे हैं, तो फिर तो ना के आ रहे, वीडियो उतारना था मॉर्निंग का टाइम वाला, मैं चल ना लूँ, बच्चे भी क्या आज करेंगे, ठीक है ना, चल बोल कोई इशू है दोस्तों। तो ये है ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 का पहला सम, ये हो चुका है दोस्तों, तो मुझे वापस करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, चलिए मैं बोर्ड रफ करके आपको सेकेंड सम करवाता हूँ, चलिए अभी दूसरा सम है ना, सेकेंड सम राइट नाउ, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द सम ऑफ इट्स जीरोस, अरे सर क्या बोल रहे हो, सम ऑफ इट्स जीरोस,
सम ऑफ इट्स जीरोज मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कुछ होगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, ओह सर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज मतलब कि अल्फा, हाँ कुछ होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा, मुझे नहीं पता है क्या दे रहा है मतलब, है ना, थोड़ा यहाँ पे लिख दूँ अल्फा बीटा बीटा गैमा गैमा अल्फा, पता नहीं जो हो, टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो ठीक है, एज टू माइनस सेवन एंड माइनस 40, तीन चीजें दी है तुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल की, सम ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली दिया तुम्हें 2 माइनस 7 माइनस 14 एंड नाउ फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अरे 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 सर बस मुंह की बात छीन ली सर आपने, एज वी नो दैट द क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब, याद है बचुआ, अरे ये है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, बम 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 टन टन ढन 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 टन 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 ढन ढन, ओहो हा, बोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये था हमारा लास्ट टाइम, हाँ मैं बोल रहा हूँ ऑप्शनल एक्सरसाइज मतलब रिवीजन जैसा ही है, एक्स क्यूब माइनस, वीडियो पोस्ट करके अपने आप ट्राई कर सकता है तू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा टू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गैमा गैमा अल्फा माइनस सेवन, तो ऑब्वियसली माइनस सेवन एक्स, माइनस तो कंपनी का और अल्फा बीटा गैमा क्या दिया माइनस 14 मतलब प्लस 14 और ये हो गया के, के नॉट इक्वल्स टू जीरो, आंसर 2 मार्क्स खींचे में, बोल कैसा समझ में आया कि नहीं आया, तो ये है दोस्तों ऑप्शनल एक्सरसाइज, ज़्यादा कुछ मतलब टफ नहीं है, एक आधे सम टफ है मैं समझा रहा हूँ आपको। अच्छा दूसरा दोस्तों, अभी ये अपना वीडियो सब चल रहा है, एक आराध्य का यहाँ पे लिखूँ, हाँ एक आराध्य का दूसरा भी अपना चैनल है, हाँ यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा आराध्य क्लासेस 6 to 10, आराध्य क्लासेस 6 to 10 एंड ऑल्सो कॉमर्स, आराध्य क्लासेस 6 to 10 है ना, प्राइमरी 6 to 10 करके ही लगभग है, हाँ वो ही उसी के हिसाब से सर्च मारते हैं बच्चे, प्राइमरी करके सर्च मारते हैं बच्चे, कैमरामैन प्राइमरी करके सर्च मारते हैं बच्चे, हाँ 6 to 10 नहीं हो तो प्राइमरी देखिएगा, जो भी हो प्राइमरी या तो 6 to 10 सर्च मारिएगा, यहाँ पे आपको सारे तगड़े तगड़े वीडियोस मिल जाएंगे 6 to 10 स्टैंडर्ड के लेके, सारे के सारे गुजराती मीडियम भी होंगे और इंग्लिश मीडियम के भी होंगे, तो देखिएगा तो आपके काम में आएगा। और दूसरा है आराध्य क्लासेस का कॉमर्स जोन, कॉमर्स जोन में भी आपको दोस्तों सब अकाउंट स्टेट इंग्लिश इको बीए सारे के सारे वीडियोस जबरदस्त लेवल के मिल जाएंगे, तो प्लीज़ प्लीज़ आज ही इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं देख रहा हूँ फ़ोन में सब्सक्राइबर कितने बढ़ते हैं, ठीक है ना, थोड़ा बढ़ा दो सब्सक्राइबर यार, ठीक है पक्का ना, प्रॉमिस प्रॉमिस दे पहले मेरे को, ठीक है इन दोनों चैनल पे आज ही जाके सब्सक्राइब कर लेना, कितना टाइम बिगड़ेगा रे, 2 मिनट भी नहीं बिगड़ेगा, और अड़ोसी पड़ोसी को सबको बोलो कि ये सब्सक्राइब करो हमारे सर का चैनल है, क्या बात कर रहे हो, अपना जो आराध्य क्लासेस वाला चैनल है अभी राइट नाउ जो मेरा वीडियो जिस पे अपलोड हुआ है वो मस्त मजे से जा रहा है, तुम सब बच्चे साथ में हो कोई टेंशन नहीं, इसमें भी थोड़ा आपको योगदान देना है, आराध्य क्लासेस प्राइमरी आराध्य क्लासेस कॉमर्स, जो प्राइमरी वाला है उसमें 6 to 10 के सारे वीडियोज़ आ जाएंगे और आराध्य क्लासेस कॉमर्स में कॉमर्स के सारे वीडियोज़ आ जाएंगे, इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम बोथ, सो आज ही सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, है ना, देखता हूँ मैं शाम तक सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं, कल तक देख रहा हूँ, वेट करता हूँ, थोड़ा बढ़ने चाहिए सब्सक्राइबर, ठीक है बेटा, इंटरेस्ट लेना थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाने में, चल आ जाए वापस हम इस पे आ जाते हैं, सर बहुत ऐड कर लिया आपने तो इस पे आ जाते हैं हम, अब सम नंबर में 3 लेके आ रहा हूँ, 2 मिनट बोर्ड को रफ कर देता हूँ, चलिए अभी तीसरा नंबर का सम है, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, भाई ये कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज दे रखे हैं मुझे, पहला जीरो है a माइनस बी, दूसरा जीरो है a और तीसरा जीरो है a प्लस बी, तो फाइंड आउट ए एंड बी, ये जो जीरोज में ए और बी दिए हुए हैं वो क्या है, कोई इश्यू नहीं है दोस्त आराम से, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसके साथ कंपेयर कर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के साथ कंपेयर करो,
कंपेयर विथ दिस जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्मूला है ना। अब देख दोस्त मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बराबर है जनरल फॉर्मूला, लेकिन क्या है उसके जीरोज में ए और बी, स्मॉल ए और बी दिए, स्मॉल अल्फाबेट वाले, ठीक है, और यहाँ पे भी ए और बी ऐसे हैं, तो आगे जाके कन्फ्यूजन बढ़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ मेरी सहूलियत के लिए, इस सम में खाली इन सबको बड़ा लिख दूँ। हाँ लिख सकता है, तो टेंशन न को करूँ, हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं है इस सम के लिए। समझ में आ रहा है क्यों किया मैंने, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जीरोज में ए और बी छोटे छोटे दे रखे हैं, फिर आगे आगे कन्फ्यूजन नहीं बढ़े दे रहा, ठीक है। ए क्या लिखूँ कंपेरिजन से, वन, बी क्या लिखूँ माइनस थ्री, सी क्या लिखूँ वन, और डी क्या लिखूँ वन, सी वन ही है ना, ओके चल। अब मुझे तीन जीरोज दे रखे हैं, अल्फा है ए माइनस बी, बीटा है ए, और गैमा है ए प्लस बी, ठीक है, पक्की बात है, समझ में आ रहा है बच्चा लोगों आपको, ठीक है। चल ए अल्फा बीटा और गैमा तीनों दे रखा है, मुझे फाइंड करना है ए एंड बी, कोई बिल्कुल ईजी है, पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ला, उसका फॉर्मूला क्या है, हाँ स्मॉल माइनस बी बाई ए था, अभी की बार मैंने कैपिटल बी बाई ए लिखा है, था फॉर्मूला कि नहीं था, हाँ तुझे आंसर लाने की नहीं लाना है, तो दो मिनट रुक, कंपेयर किया, अल्फा ये है बीटा ये है गैमा ये, तुझे पता है मुझे चलाने की ज़रूरत नहीं है सब, एक बार अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कर दे भाई, अलग टाइप का सम है मैं क्या करूँ, है ना, ये दो बार देखना पड़ेगा तुझे वीडियो, तो चित्र समझ में आएगा। अल्फा क्या है ए माइनस बी, बीटा क्या है ए, गैमा क्या है ए प्लस बी, ठीक है, माइनस कंपनी का बी कितना है माइनस थ्री, तो क्या हो गया प्लस थ्री, ए कितना है वन, तो नीचे तो वन लिखो ना लिखो चलेगा, ठीक है, बोल डन है, माइनस बी प्लस बी गॉन, ए ए ए थ्री ए इज इक्वल्स टू थ्री, ए इज इक्वल्स टू वन, दैट्स इट, बोल ये थ्री नीचे गया ना, तो थ्री थ्री था वन, कन्फर्म है, ओके। इसी हिसाब से दोस्त, उसी हिसाब से मैं अल्फा बीटा गैमा करूंगा, तो मुझे अल्फा बीटा गैमा मिलेगा माइनस डी बाई ए, डन है कि नहीं है, नहीं समझ में आया, हाँ है ना सर, अल्फा कितना ए माइनस बी, बीटा कितना ए, गैमा कितना ए प्लस बी, माइनस डी कितना है वन, ए कितना है वन, ये रहा डी वन है और ए वन है, कन्फर्म है बेटा, समझ में आ रहा है, चल ठीक है ना, चल अब वो नीचे वन था नहीं लिखा चलेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू माइनस वन, कन्फर्म ए माइनस बी ए प्लस बी का क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चल ए का वैल्यू मेरे पास आ गया है एक, तो ए का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर, ए मतलब वन माइनस वन, ठीक है, ये वन तो नहीं लिखा चलेगा, तो क्या हो जाएगा वन माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, ये माइनस बी स्क्वायर सामने गया तो प्लस बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे वन तो था ही, ये माइनस वन उठ के सामने आ गया तो प्लस वन हो गया, वन एंड वन, फिर से एक बार चलो, माइनस बी स्क्वायर सामने गया तो प्लस बी स्क्वायर, ये वन तो इस तरफ था ही, ये माइनस बी स्क्वायर सामने गया तो प्लस हो गया, तो इस तरफ जो माइनस वन पड़ा इसको इस तरफ ला दे तो हो गया प्लस वन, वन प्लस वन कितना टू, दोस्तों बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू आया, डायरेक्ट आंसर लिखना है लेकिन एक बार थोड़ा समझा देता हूँ मैं कहाँ तक, यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर आऊँगा वहाँ प्रॉब्लम नहीं ना, ओके चल यहीं पर समझा देता हूँ। अब जो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू है उसको कैसे लिखेगा तू, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू है ना, तो सामने ला तो माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस टू को क्या लिख सकता हूँ रूट टू का स्क्वायर, समझ में आ रहा कि जा रहा, एक बार प्लस एक बार माइनस इज इक्वल्स टू जीरो है ना, चलो एक बार प्लस इज इक्वल्स टू जीरो, दूसरी बार माइनस इज इक्वल्स टू जीरो, तो बी का आंसर आएगा माइनस रूट टू और दूसरे बी का आंसर आएगा रूट टू, मतलब बी के दो आंसर आ रहे हैं प्लस और माइनस रूट टू, तो ए आया वन और बी आएगा प्लस और माइनस रूट टू, दोनों आएंगे, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, ये आप कर सकते हो एग्जाम में, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बच्चे नहीं हो आप अभी, ये मैंने मेरे हिसाब से तेरे को करवाया है, लेकिन तुझे एक्चुअली में डायरेक्ट यही लिखना है, देख यहाँ पे मैं ये ट्रिक कर सकता है तू, लेकिन इसमें देख बी स्क्वायर है ना, तो दोनों तरफ मैं रूट कर देता हूं, तो देखिए स्क्वायर से रूट मर गया तो क्या आएगा, बी इज इक्वल टू रूट टू आएगा, लेकिन दोस्तों जब स्क्वायर था ना तो रूट हुआ तो बाहर प्लस और माइनस आएगा,
ये सब में आपको याद रखना है, सब में ध्यान रखना है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर फिनिश्ड हो जाएगा, ये सब करने की झंझट नहीं रहेगी। जैसे कि नॉर्मल बात करूँ मैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव दिया तुझे, बी स्क्वायर एक आ जा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव दिया तुझे, तो डायरेक्ट आंसर लिखना बी इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट फाइव। अरे बिल्कुल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन दिया, तो बी इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट टेन लिख डायरेक्ट, किसने ना बोला है ना, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो ये सब करने की झंझट नहीं जाएगी, सीधा आंसर आएगा। बोल डन, ए और बी दोनों आ गया, ए कितना वन, बी कितना प्लस और माइनस रूट टू, बोल कन्फर्म है। चल चौथा सम, चलिए 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 सॉरी पार्ट फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है, सम फोर है, होमवर्क में करना, पार्ट 17 जैसा ही है, मैं नहीं करवाऊंगा। हाँ, अब ये जो फाइव नंबर वाला है, ये भाई जिन बच्चों की इच्छा हो वो ही ये पार्ट करेंगे, मतलब ये सम करेंगे, जिनकी इच्छा नहीं हो नहीं करेंगे, थोड़ा टफ सम है, मजा आएगी आपको। चलिए, इफ द पॉलिनोमियल इज दिस, दिस इज द पॉलिनोमियल, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल दिस, इससे इसको डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कम्स आउट टू बी एक्स प्लस ए। जो रिमाइंडर आएगा नीचे, मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा, तो जो नीचे रिमाइंडर आएगा उससे मुझे इसको कंपेयर करना है, फिर जाके k और a फाइंड करना है, तो दो मिनट का काम है, चला जा। क्या सर दो मिनट का काम है, हमें पता है आप डरा रहे हो, थोड़ा इस साइड लिखता हूँ मैं तो अच्छा रहेगा। हाँ यहाँ पे लिखते हैं ना, ठीक है ना, चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चा लोगों, एक्स फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, किससे डिवाइड करना है बाबा, इससे, बस यही तो मेन है, यही तो मेन है। चल भी आ जा फटाफट, x4 चाहिए, दिया क्या x स्क्वायर, x स्क्वायर जाऊं स्पीड में कोई टेंशन नहीं, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x4 माइनस x स्क्वायर इंटू 2x, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू के, के एक्स स्क्वायर, ओके कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, माइनस प्लस माइनस चल निकल, माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस टू एक्स क्यूब, एक्चुअली तुम ये जो ये करते हो ना, माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस टू एक्स क्यूब है ना, तो आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब तो रखेगा ही तू, माइनस सिक्स प्लस टू मतलब माइनस फोर एक्स क्यूब, इसको तो ऐसा भी कर सकता है ना, माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस टू एक्स क्यूब, हाँ ऐसे करिएगा, ऐसे भी करेगा तो भी चलेगा कि नहीं चलेगा, हाँ चलता है सर, सिक्स है माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस टू एक्स क्यूब, ऐसे समझ में नहीं आता है तुझे, तो तू ऐसे भी कर सकता है, अब ऐसे समझ में आएगा तेरे को, माइनस सिक्स प्लस टू मतलब माइनस फोर एक्स क्यूब, बोला है कि नहीं आया, डन है कि नहीं, तो कभी ऐसे कुछ आगे आएंगे जो ऐसे समझ में नहीं आएंगे, तो तुझे ऐसा करना पड़ेगा उसका, ठीक है, सब्ट्रैक्शन या तो एडिशन, चला जा। यहाँ पे क्या लिखूँ, माइनस फोर एक्स क्यूब, बोल डन है, चलो ओके ओके, अब आगे आ जा, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, अब सर सिक्सटीन एक्स स्क्वायर में से माइनस के एक्स स्क्वायर तो कैसे माइनस होगा, नहीं होगा, तो इसीलिए तो बोलता हूँ दोस्त, ये थोड़ा सा टफ सम है, एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा, हाँ दिख रहा, अंदर क्या बचा, सोलह माइनस के, तो ये है तेरा सोलह माइनस के और एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेगा बोल, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, बोल समझ में आ रहा कि जा रहा है भाई, ये खड़ा ऐसे समझ में नहीं आता तेरे को, ऐसा किया तो समझ में आया तेरे को, 16 एक्स स्क्वायर में से के एक्स स्क्वायर माइनस करो, नहीं हो सकता सर, के का वैल्यू है ही नहीं इसलिए, है ना, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 16 माइनस के अंदर बचा, बोल तकलीफ है तेरे को, तकलीफ हो तो मुझे बता, ठीक है चल, अब मैं थोड़ा बोर्ड, हाँ अब बोल अब क्या करेगा तू, सर अब क्या करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे, पर हवन करेंगे हवन करेंगे, चल माइनस 25x, अब क्या चाहिए तुझे, माइनस 4x क्यूब, दिया क्या x स्क्वायर, x स्क्वायर x क्यूब गॉन, माइनस 4x बचा, तो इस माइनस 4x को तू लाइन में ले ले यहाँ पे, अब देख माइनस 4x इंटू x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, डन है, माइनस माइनस प्लस 4x इंटू 2x 8x स्क्वायर कन्फर्म, माइनस 4x इंटू के 4kx
भाई ये माइनस प्लस माइनस 4x इंटू के मतलब 4kx बोल कन्फर्म है, चला जा भाई आराम से कोई उतावल नहीं है, प्लस माइनस प्लस ये गया कन्फर्म है। अब देख इसमें से ये माइनस करना है, दो मिनट ये रफ कर दूँ कुछ काम नहीं है अभी मेरे को, हाँ इसमें से ये माइनस करना है मुझे, तो 16 माइनस के एक्स स्क्वायर में से ये माइनस करना है 8x स्क्वायर माइनस करना है, ठीक है। तो चल कैसे करेगा माइनस, तू के दिया हुआ है माइनस तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना, 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर यही है माइनस करने का। तो देखिए काम कर, इसमें हो नहीं रहा है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले, तो 16 माइनस के माइनस 8, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके लिया, समझ में आ रहा है, तो 16 माइनस के माइनस 8, 16 माइनस 8 माइनस के एक्स स्क्वायर बोल डन है। ऐसे करना पड़ेगा दोस्त तेरे को, हाँ आड़ा करके करेगा तो समझ में आएगा, 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर में से माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस करना है, तो ये रहा पॉलिसी, बोल समझ में आ रहा है कन्फर्म। तो यहाँ पे क्या लिखो दोस्त, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, हाँ वही रहे 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। अब देख, अब बोल माइनस 25x और प्लस 4kx बराबर है कि नहीं है, कहीं रॉन्ग नहीं हूं ना मैं, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, मैं क्यों माइनस नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों सर, एक k अननोन है इसलिए। अब क्या लिखूं ब्रैकेट के अंदर, 4k लिख दूं और माइनस 25 लिख दूं, बोल चलेगा कि नहीं चलेगा, अरे माइनस 25 पहले लिख फिर प्लस 4k लिख तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये 4k माइनस 25 लिख तो अच्छा रहेगा, 4k माइनस 25x, चल बे लास्ट 10 बाकी रहा है इसको ले लेते हैं। अब बोल क्या चाहिए तुझे, सर 8 माइनस के एक्स स्क्वायर रिक्वायरमेंट है और चाहिए क्या एक्स स्क्वायर, चल भाई निकल 8 माइनस के बच गया, तो यहाँ पे लिख 8 माइनस के, बोल समझ में आ रहा कि जा रहा, पक्की बात चल ठीक, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर बोल डन है, ओके माइनस 8 माइनस के इंटू 2x, तो 2 इंटू 8 माइनस के इंटू एक्स आ गया भाई, 2x भी आ गया और 8 माइनस के भी आ गया, मैंने मेरे हिसाब से अरेंज किया, चलेगा ना, ओके 8 माइनस के इंटू के, के इंटू 8 माइनस के बोल डन है, प्रॉब्लम चल नहीं है तो माइनस प्लस माइनस ये गया पूरा ओसे का ओसा। अब देख इसमें आ जा, 4k माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 8 माइनस के इंटू एक्स, इसका और इसका प्लस करना है, ऐसे तेरे को समझ में आएगा नहीं, तो मैंने ये ट्रिक अपनाई है। अब देख दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो देख 4k माइनस 25 प्लस इसको इसके साथ जान दे 8 टू जा 16 बराबर है ना दोस्त, रॉन्ग नहीं हो रहा है ना कुछ, ओ जब भी ना जे उसको उसका भेज पसंद है, बेबी को भेज पसंद है, हाँ चल माइनस 2k 8 16 हो गया और माइनस 2k कन्फर्म, 4k माइनस 2k माइनस 25 प्लस 16 माइनस 9x, तो क्या बचा यहाँ पे 2k माइनस 9 इंटू एक्स, अब ये बच गया लास्ट, चल फोकस हो रहा है बच्चों को दिख रहा है, चलिए अब जो 10 है उसमें से ये माइनस करना है k इंटू 8 माइनस के, इतना माइनस करना है, तो 10 माइनस पहले क्या करूँ, ब्रैकेट में k जाने दूँ 8k माइनस के स्क्वायर कन्फर्म 10, अब माइनस अंदर जाने दो तो साइन चेंज होगा अंदर प्लस हो जाएगा, इसको अरेंज करके लिखूँ तो के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 बोल डन है कि नहीं है, तो लास्ट में क्या आया के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 बोल, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्की बात है, चल पक्की बात है, ये आ गया तुम्हारा रिमाइंडर, व्हाट इज योर रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पे, योर रिमाइंडर कम्स आउट टू बी एक्स प्लस ए, दैट मीन्स कंपेयर विद दिस सिचुएशन, ओके सो नाउ व्हाट वी कैन से दैट
ये एक्स है ये एक्स है, उसके बाजू में एक तो होगा, तो देख कंपेयर कर दो, तो 2k-9 इज इक्वल टू 1 हो गया कंपैरिजन में, हाँ या ना बोल। हाँ, और ये पूरा इसके साथ कुछ है, कुछ है मतलब कौन है, a है, तो a कितना हो गया k² - 8k + 10। बोल सिंपल है कि नहीं डिंपल की तरह, तो फिर चला जाए। अब देख 2k - -9 इधर गया 10 हो गया, k = 5 हो गया कन्फर्म, ये 2 नीचे जाएगा ना, a = भाई k² 5 का स्क्वायर, बोल बोल भाई खबर पड़े जाए, 25 - 40 + 10 तेरे हिसाब से देख ले अब तू, 35 - 40 a = -5। हो सर चैप्टर फिनिश, थैंक यू वेरी मच। 18 पार्ट है दोस्तों, प्लेलिस्ट में रख दूंगा, 18 के 18 पार्ट आपको समझ में आ जाएंगे पूरे। चैप्टर 2 इतना है दोस्त, क्या मतलब, बस ऐसा हो गया 2.1 2.2 2.3 बस हो गया, नहीं रहे है ना, थोड़ा डीप में जाना पड़ता है दोस्त यार। और मैं सब टीचर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ थोड़ा डीप में जाइए सब बच्चों को, अलग अलग लेवल के जो मैंने अल्फा बीटा वाले सेशन चलाए हैं दोस्तों, सही में आप बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा वाले सेशन कैसे रहे आपके। अल्फा प्लस बीटा मैंने चला रहा, आपको याद है α6 + β6 α4 + β4 ये जो सेशन है खतरनाक लेवल के सेशन है, गजब लेवल के सेशन है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो में जब भी आए तब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये α6 + β6 वाले, α4 + β4 वाले जो सम्स मैंने लास्ट पार्ट्स में करवाए थे वो कैसे रहे आपको, ठीक है ना। चल तब तक के लिए थैंक यू, इसके प्रैक्टिस पेपर्स में रखता रहूँगा, चिंता नहीं करना, अब हम चैप्टर 1 लेके आएंगे नया वाला, ठीक है। और दूसरा हाँ, वो आराध्य का प्राइमरी चैनल, आराध्य का आराध्य क्लासेस प्राइमरी, आराध्य क्लासेस कॉमर्स, सब्सक्राइब कर देना यार दोस्त प्लीज़, है ना, पक्का, चल प्रॉमिस ना, चल थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।